दोस्तों, भारत और इंग्लैंड टीम के बीच खेली जाने वाली T20 सीरीज की फर्स्ट मैच 12 मार्च यानी कि फ्राइडे से खेली जाएगी और 5 मैचों का ये T20 सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड टीम को 3-1 से हरा चुकी है और अब T20 सीरीज के लिए दोनों ही टीमों ने खतरनाक स्क्वाड बनाकर बैठी हुई है। तो मैं इस वीडियो में भारत और इंग्लैंड टीम के बीच खेली जाने वाली फर्स्ट T20 मैच के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कब, कहाँ, कितने बजे से ये मैच शुरू होगा, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसा होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैच टीवी और मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप भारतीय टीम के फैन हैं और इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को अभी एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, भारत और इंग्लैंड टीम के बीच फर्स्ट T20 मैच 12 मार्च 2021 को वर्ल्ड के सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेली जाएगी। और दोस्तों, टाइमिंग के बारे में बात करें तो ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को बता दूं, टीम इंडिया की T20 स्क्वाड में काफी सारे बदलाव देखने को मिला है। इस T20 स्क्वाड में बहुत सारे युवा प्लेयर्स को मौका मिला था लेकिन चोट और फिटनेस के चलते 2 से 3 प्लेयर स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं और उनके जगह नए प्लेयर्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज टी नटराजन, जिनको T20 स्क्वाड में शामिल किया गया था, चोट के चलते पूरी तरीके से फिट नहीं है लेकिन अभी तक स्क्वाड से बाहर नहीं किया गया है। तो फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 में खेलना उनके फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों, युवा स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को T20 स्क्वाड में मौका मिला था लेकिन 2 बार अपना फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाने के कारण उनको स्क्वाड से बाहर जाना पड़ा है और एज ए रिप्लेसमेंट राहुल चाहर को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। पर दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, भारत की टीम फर्स्ट T20 मैच में स्टेबल और बैलेंस टीम लेकर उतरने वाली है। तो सबसे पहले ओपनर्स के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा और शेखर धवन या तो केएल राहुल ओपनिंग करने वाले हैं और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में रहेंगे कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। उसके बाद ऑलराउंडर्स के तौर पे हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर खेलने वाले हैं और आखिर में पोपर गेंदबाजों के बारे में बात करें तो शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, युवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार को देखने को मिलेगा। तो भारतीय टीम की पूरा प्लेइंग 11 जल्दी से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और उनके साथ शेखर धवन या तो केएल राहुल। उसके बाद नंबर 3 पर उतरेंगे विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर युवेंद्र चहल और आखिर में नंबर 11 पर भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों, ये था भारतीय टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब बात करें लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में तो इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया 2021 का लाइव स्ट्रीमिंग राइट स्टार पोस्ट नेटवर्क के पास है। तो सभी T20 मैचेस टीवी पर आप स्टार पोस्ट 1 और स्टार पोस्ट 1 हिंदी पर देख पाएंगे। मोबाइल पर अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट T20 मैच की फुल डिटेल्स। आप नीचे आपका प्लेइंग 11 कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।